दोस्तों दिल थाम के बैठे हैं। आज के इस ब्लॉग में हम आपको शेषनाग के दर्शन और माता नव दुर्गा के दर्शन जो कि गुफाओं के अंदर विराजमान है हम कराने वाले हैं। तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग विद शिवम में। तो आज हम आए हुए हैं माता नव दुर्गा के मंदिर पर और ये रास्ते में जो चिनाब नदी पाकिस्तान से बहकर आ रही है वह नदी बह रही है। आप देख सकते हैं नीचे जो नदी अभी पीछे निकल के गई है। यह हम आए हुए हैं जम्मू और जम्मू से ये 80 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है माता नव दुर्गा का। यह मंदिर की जो मान्यता है वह कि माता नव दुर्गा में इसी मंदिर में विराजमान रहती हैं और माता का यह भव्य स्वरूप यहाँ पर पिंडी के रूप में माता विराजमान है। तो आपको माता रानी के दर्शन कराएंगे और एक शेषनाग जो कि स्वतः ही पत्थरों से बने हुए हैं और वो गुफा में हैं वो हम दिखाने वाले हैं। और नीचे देख सकते हैं यहाँ भी एक नहर नीचे की ओर बह रही है। तो हम चलते हैं आगे की ओर और ये आप सीढ़ियाँ जो देख सकते हैं जो नीचे गुफा की तरफ जा रही हैं क्योंकि गुफा गहराई में है और हम गुफा की ओर जा रहे हैं। गुफा काफ़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति ही एक बार में जा सकता है। तो आगे हम गुफा की तरफ हल्के बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर बंदर अधिक मात्रा में रहते हैं, आप जब भी आएँ बंदरों से सावधान रहें, वह आपका फ़ोन भी छीन कर ले जा सकते हैं और हमारा प्रसाद भी एक बंदर ने छीन लिया है और हमने दोबारा प्रसाद यहाँ पर लिया है। तो ये गुफा के पास आ चुके हैं जिसमें शेषनाग जी विराजमान हैं। तो ये हम अभी आपको दर्शन कराने वाले हैं शेषनाग के और उसके बाद माता की गुफा में चलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं अंदर की तरफ आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पर 7 मुंह के शेषनाग विराजमान हैं जो कि स्वतः ही बने हुए हैं। देख सकते हैं आप सामने की तरफ कितनी सुंदर यहाँ पर शेषनाग की प्रतिमा बनी हुई है और इस गुफा के अंदर जाने पर आगे जाकर माता रानी पिंडियों के रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो माता रानी के भी दर्शन हम करेंगे। तो चलते हैं, जय हो हनुमान बाबा की। ये हनुमान बाबा की मूर्ति भी यहाँ पर है और काफ़ी मूर्तियाँ यहाँ पर इसके अंदर बनी हुई हैं और यहाँ पर पानी हल्का हल्का टपकता रहता है हर समय यहाँ पर मूर्तियों पर। और चलते हैं माता रानी के मंदिर की तरफ और ये माता रानी की जो गुफा है इससे नीचे है। तो जो ये आप गेट देख रहे हैं ये माता रानी के गुफा का ही गेट है। तो माता रानी की गुफा के गेट की तरफ चलते हैं और आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं। जय माता की, जय माता की। के गुफा के अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना छोटा रास्ता है और भक्त किस तरीके से जाते हैं। माता रानी का ये माता रानी पिंडी में नौ देवी गणपति से मोबाइल यहाँ पर Thank you.
ਜਿਹੜੀ ਖੱਟਰ ਗਿਆ ਸੀ ਹੱਟ ਕੇ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੱਟ ਖੈਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਨੱਚਤ ਵਾਲੀ ਚਾਚੀ तो ये है बाहर जाने का रास्ता। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। आप यहाँ पर नहा भी सकते हैं, नहाने की यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। और ये यहाँ पर स्त्रियों के लिए स्नान गृह है और ऊपर वाला पुरुषों के लिए है। यहाँ पर आप नहा सकते हैं। ये पहाड़ों से जो जल है वो आ रहा है यहाँ पर। और ये था माँ वैष्णो का जो जहाँ नवरात्रि में माता निवास करती हैं वो गुफा थी यहाँ पर, जो आपको हमने दिखाई थी। और ये आप देख सकते हैं पहाड़ों से ये जल निकल रहा है, उस जल में ये स्नान करते हैं लोग। यहाँ पर इस प्रकार के तीन कुंड बने हुए हैं, पहला पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। लोग यहाँ पर बहुत ही देख सकते हैं कितनी फोटोग्राफी कराते हैं और माता रानी के यहाँ दर्शन करने आते हैं। और कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। बोलो जय माता की, जय माता की। तो ये था माता रानी का नव, जो दुर्गा माता का मंदिर था, ये नव दुर्गा में माता यहाँ पर ही निवास करती हैं। और आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।